भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। मैच में भारतीय टीम की ओपनर स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों ने ही शतक लगाए और एक बड़ी पारी खेली। दोनों प्लेयर्स ने पाकिस्तानी महिला टीम के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को भी इस बीच ध्वस्त कर दिया। स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की और मैच में शतक लगाए। इन दोनों प्लेयर्स ने पहले विकेट के लिए 292 रन की ओपनिंग स्टैंड की साझेदारी बनाई, जो महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ओपनिंग करते हुए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड पाकिस्तानी टीम के नाम था। पाकिस्तानी महिला टीम की ओपनर्स किरण बलूच और साजिदा शाह ने साल 2004 में टेस्ट क्रिकेट में 241 रन का स्टैंड बनाया था, जो एक रिकॉर्ड था। इसके पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज खेली, जिसमें टीम ने साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश कर दिया। तीनों मुकाबले बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए थे। भारत ने पहले मैच में 143 रन से कंफर्टेबल जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और 4 रन से टीम ने मुकाबला अपने नाम किया। और तीसरे मैच में टीम इंडिया 6 विकेट से जीत हासिल कर चुकी है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदना ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा रिकॉर्ड भी इस दौरान बना दिया है। स्मृति मंदना सीरीज में लगातार तीसरा शतक लगाने से चूक गई। वो 83 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हुई। इससे पहले स्मृति ने पहले मैच में 117 और दूसरे मुकाबले में शानदार 136 रन की पारी खेली थी और इस तरह उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में कुल 343 रन बनाए। इसके साथ ही बाएं हाथ की इस बल्लेबाज मंदना ने इतिहास भी रच दिया। वो महिला क्रिकेट की 3 वनडे मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई। आज तक 3 मैचों की सीरीज में इतने रन किसी भी बल्लेबाज ने महिला क्रिकेट में नहीं बनाए। और इन सब के बाद अब मंदना इकलौते टेस्ट मैच की पहली पारी में 149 पर आउट हुई। मंदना जैसा खेल रही हैं, 2018 के विराट कोहली की बिल्कुल साफ झलक नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे किसी कंसिस्टेंसी के साथ स्मृति मंदना खेलती रहें और अलग अलग शिखर पर अलग अलग रिकॉर्ड्स टीम इंडिया के लिए बनाती रहें। बहरहाल स्मृति मंदना की इस शानदार पारी पर, उनके इस पर्पल पैच पर टचवुड किसी की नजर ना लगे। आप उन पारियों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टाइम। नमस्कार।